रीवा शहर में आजकल गुंडागर्दी और लूटपाट आम बात हो गई है। कल रात पीड़ित पुष्पेंद्र सिंह रीवा बस स्टैंड स्थित आकाशगंगा मोबाइल के सामने खड़ा हुआ था, जहां पर आकाशगंगा मोबाइल के संचालक हरप्रीत सिंह उर्फ मुन्नू सरदार द्वारा उनका मोबाइल छीन लिया गया एवं मारपीट कर भगा दिया गया। उक्त घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पीड़ित पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। अर्जुन सिंह, क्या घटना क्या है? घटना कर मैं चाचा जी के साथ गया था बच्चे की दवाई लेने के लिए, गोपाल मेडिकल है हॉस्पिटल चौराहे में। वहाँ से मैं गया तो उसको भाप लेने वाली मशीन ले रहा था, पैसे कम हो जाने की वजह से नहीं ले पाया। वहाँ तत्पश्चात मैं वहाँ से लौट रहा था, हल्की हल्की बूंदाबांदी रिमझिम बारिश हो रही थी। मैं लौट रहा था, शीशे में बराबर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, गाड़ी मैं स्वयं चला रहा था। मेरा वाहन क्रमांक है MP19CA9792। मैं वहाँ से लौट रहा था तभी मुझे लगा कि मैं थोड़ा शीशा साफ कर लूँ ताकि कोई घटना ना हो सके, जिसके लिए मैं गाड़ी रोका। गाड़ी स्टार्ट थी, चाचा जी बगल में बैठे हुए थे, मैंने कपड़ा निकाला शीशा साफ करने लगा। तब उसी समय मन्नी सरदार परमीत सिंह आए, गाड़ी बगल में लगाए। गाड़ी काली कलर की थी, मैंने नंबर पर नहीं ध्यान दिया। गाड़ी थी SUV 7700 ऐसा बोलते हैं उसको, चार लोग उसमें 2-3 संख्या में लोग थे। बराबर मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैं शीशा साफ करने में लगा था और मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी क्योंकि मैं दवा लिया था और घर के कुछ और सामग्री लिया था। मेरे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे थे, बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी इसलिए मैं जल्दीबाजी में था। उन्होंने आया मेरे पास, बोला मेरा एक नंबर डायल कर दो। मैं बोला भैया मैं बहुत जल्दी में हूँ। मैंने उनका पैर छुआ, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं कर पाऊँगा। तत्पश्चात उन्होंने बोला मोबाइल दिखाओ। मैं बोला भैया मोबाइल लिया हूँ अपना, बोले मोबाइल दो। मैं बोला भैया रहन दीजिए, मेरा धंधा पानी खराब हो जाएगा। नहीं और मोबाइल में इसलिए लिया, बोले दुकान के पास आओ। मैं गया पीछे, वो बोले कि तो किसी में कहा मैं भैया सब लगा होगा उसी में, मेरा सब काम इधर उधर हो जाएगा अगर हम मोबाइल नहीं देंगे तो। बोला हो जाए दो। तत्पश्चात उन्होंने पिन मांगा अपने कर्मचारी है कि उनके मित्र हैं दाढ़ी रखे हुए थे, उन्होंने पिन उनसे निकाल के सिर्फ मेरी फेंक दी। फिर जब पता नहीं जो सोचा होगा, मैं बार बार माफ़ी मांग रहा था भैया माफ़ कर दीजिए करता रहा, चांस पास किया, उन्होंने मोबाइल नहीं दिया और मुझे डांट डपट के वहाँ से भगा दिया। थाने आप आए हैं, शिकायत दर्ज हो गई है? थाने में शिकायत दर्ज करवाने के लिए आया हूँ, आवेदन दिया हूँ श्रीमान जी को। क्या थाने से क्या आश्वासन मिला है आपको? थाने से यह मिला है कि हम अभी कार्रवाई देखवाते हैं, घटना की जाँच करवाते हैं और मुझे रिसीविंग दी गई है। दोस्तों, न्यूज चेक लाइव के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।